नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। वैसे देखा जाए तो सांप और पेड़ों का पुराना रिश्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30% सांप पेड़ों पर रहते हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ पर रहने वाले सांप पेड़ की खुशबू की वजह से नहीं बल्कि खुद को ठंडा रखने के लिए चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। चंदन का पेड़ काफ़ी ठंडा होता है, वही दूसरी तरफ सांपों को ठंडी जगह पर रहना काफ़ी पसंद होता है। दरअसल सभी प्रकार के सांप कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्त के होते हैं। बदलते तापमान के अनुसार उन्हें भी अपने बॉडी का तापमान मेंटेन रखना पड़ता है। इसी वजह से बर्फीले जगहों में या फिर शीतकाल में ज़्यादातर सांप हाइबरनेशन पीरियड में अपने आप को ज़मीन के नीचे गाड़ लेते हैं। कुछ सांप ज़मीन या पत्थरों की दरारों में छुपते हैं तो कुछ पेड़ों पर आराम करते हैं। नाग और नागिन अक्सर ज़मीन पर रहने वाले सांप होते हैं जो कभी कभी इस तरह पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। चंदन के पेड़ पर रहना तो समझ आता है, लेकिन ये तो एक सागौन का पेड़ है, तो फिर ऐसे पेड़ों पर रहने का क्या मतलब? दरअसल ये सांप पक्षियों के घोंसलों में घुसकर उनके अंडों और बच्चों को खा लेते हैं। जब ज़मीन पर इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता तब ये ऐसे पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों की तलाश करते हैं। इस वीडियो में पेड़ों का जिक्र हुआ है, इसलिए एक दूसरे पेड़ के बारे में बताना चाहूँगा जिसे सांपों का दुश्मन पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का नाम है सर्पगंधा। अगर इस पौधे को अपने घर के आसपास लगाया जाए तो सांप घर में कभी नहीं आएंगे और सर्पदंश का भय भी नहीं रहेगा। एक तरह से सांपों को घर से भगाने के लिए इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।